हेलो फ्रेंड्स, आज हम लौकी से एक ऐसी सब्ज़ी बनाने जा रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा आसान है बनाना और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर के तैयार होता है। तो इस तरीके से आपको एकदम ताज़ी ताज़ी लौकी बॉटल गोर्ड ले लेना है, जिसे कि दूधी भी कहा जाता है। ओके, तो इसे इस तरीके से हम पील कर लेंगे अच्छी तरीके से और नीचे से कट कर लेंगे। इसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब जैसे मैं इसे काट रही हूँ उस तरीके से आपको इसे कट कर लेना है। बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पीसेस नहीं करने हैं, तो बीच में इस तरीके से बहुत सारे पतले पतली फलियां कर लीजिए और उसके बाद इसे काट लीजिए। तो इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़े में इसे आपको कट कर लेना है। इसी तरीके से सारी ही लौकी को मैं कट कर लूँगी। और इसके अलावा हमें चाहिए लहसुन की कलियाँ और 3 हरी मिर्च, तीखा आप अपने स्वाद के अनुसार डालिएगा। और यहाँ पे मैंने ले लिया है अदरक का टुकड़ा, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, और 3 टमाटर, ये मीडियम साइज़ की 3 टमाटर मैंने लिए हैं। सारी ही चीज़ों को मैं एक ग्राइंडर जार में डाल दे रही हूँ, क्योंकि इन सारी ही चीज़ों का हमें बना लेना है पेस्ट। तो ये देखिए, बिल्कुल इस तरीके का पेस्ट बना के इसे रख दीजिए। कुकर में हम डालेंगे तेल, 1 स्टार एनीस और 1 तेज पत्ता, थोड़ा सा काली मिर्च 1/2 चम्मच के करीब। इसमें डालेंगे इलायची, मैं 2 इलायची डाल रही हूँ, लौंग तो 3 से 4 लौंग डाल देंगे, और जीरा डाल देंगे। इन सारे ही मसालों को अच्छे से भुन जाने देंगे और उसके बाद एक बड़ी साइज़ का प्याज मैं इसमें काट करके डाल रही हूँ। प्याज को हमें बारीक काटना है। अब प्याज को हमें तब तक भूनना है जब तक ये थोड़ा सा ब्राउन कलर में नहीं हो जाता। अब यहाँ पे हम डाल देंगे ये जो पेस्ट हमने बना करके रखा था। इस पेस्ट को हम 4 से 5 मिनट के लिए भूनेंगे मीडियम फ्लेम पर। जब इस तरीके से सूखा सूखा सा हो जाए ना टमाटर का पेस्ट, तब यहाँ पे हम डाल देंगे लौकी। लौकी को मैंने ऑलरेडी धो करके रखा है और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और 2 मिनट के लिए पकाएंगे। अब यहाँ पे डालेंगे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच भर के गरम मसाला पाउडर, और डाल देंगे नमक स्वाद के अनुसार। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके 2 मिनट के लिए भून लेंगे हम। 2 मिनट तक भूनने के बाद यहाँ पे मैं डाल रही हूँ पानी। मैंने 1.5 ग्लास के करीब यहाँ पे पानी का इस्तेमाल किया है, और 1 चम्मच कसूरी मेथी हम इसमें डाल देंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब ये बॉईल होने लग गया है, गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इसमें हम 2 से 3 सीटी आने तक या फिर 4 सीटी आने तक आप पका लीजिए। इसमें 3 से 4 सीटी आ जाए तो गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे ठंडा हो जाने के बाद हम खोल लेंगे। धनिया की पत्ती से थोड़ा सा गार्निश कर लेंगे या फिर आप ऐसे ही डाल के मिक्स कर लीजिए। और बस हमारी लौकी की सब्ज़ी बन करके बिल्कुल तैयार है। इस तरीके से लौकी की सब्ज़ी आप एक बार बनाइएगा, बहुत टेस्टी बन करके तैयार होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।